बीती रात महोबा पुलिस ने एक युवक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर युवक की तेज धार हथियार से हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपी अभी तक फरार हैं। मेरा कोई मामला नहीं है इसमें। आपके पति की हत्या कैसे हो गई? इसी ने किया, किसने? गोपाल ने। क्योंकि ये नहीं मैं बता सकती क्यों की है इसने। ये तो बता रहा है कि तुम अपने पति से खुश नहीं थी, तुमने अपने ही पति को मार दिए। नहीं, कुछ दिन पहले मैं भाग गया था इसके साथ, फिर मैं अपने घर आ गई थी। फिर मैं अपने घर में आ गई थी, मैं अच्छी तरह रहती थी, फिर इसने मेरे पति को मार डाला। नहीं, मैंने नहीं कहा था। इसी ने मारा, मैंने नहीं कहा था कि इससे मारो। अच्छा, तो तुम चिल्लाई क्यों नहीं थी? क्यों नहीं चिल्लाई जब तुम्हारे पति कोई मार रहा था? चिल्लाई थी मैं, मेरे बच्चे भी, मैं भी, बच्चे भी रोया। फिर हम अपने घर गए, सास के नहीं घर। फिर उतरे से अम्मा को लेके आई, जब कोई नहीं था। झूठ बोल रहा है? अभी गोली खिलाई थी आपने? नहीं। आपने उसको पूरे मामले सुलझाया? ये परसों FIR लिखी गई थी, चार लोगों के खिलाफ रघुराज की हत्या हुई थी। पूरे प्रकरण में बेचना शुरू की गई और चार लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें हल्की पाल है, उसका भाई श्रीपत पाल है, प्रेमिका है प्रीति जो मृतक की पत्नी है, और एक कमल किशोर है, बाप का नाम कामता है, उसका प्रेमी है। इन लोगों ने मिलकर, प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर ही हत्या करवाई थी। चार लोग गिरफ्तार किए गए, उनसे आला कत्ल बरामद किया गया। हत्या का क्या कारण रहा होगा? हत्या का कारण प्रेम प्रपंच रहा। मृतक की पत्नी प्रीति का प्रेम संबंध जो है उससे कमल किशोर से था, उसी को लेकर के हत्या करवाई गई, पत्नी ने ही कराया। सभी आरोपी चार गिरफ्तार हैं, दो बाहर हैं जिनको सिविल गिरफ्तार किया गया, काकुन तिराहे से गिरफ्तार किया गया है रिवेल के पास। हत्या कुल्हाड़ी से की गई थी, आला कतल बरामद किया गया, गिरफ्तारियाँ हुई है, दोस्तों से बिल्कुल गिरफ्तार।